So guys, this is the packaging and let's unbox this product. तो गाइज आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये पैक्ड है, काफ़ी सेफली। तो यहाँ पे पैकेजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, इस वजह से जो ये प्रोडक्ट है बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है। दिस इज़ द जनरल्स चारकोल पेंसिल किट, जिसे मैंने परचेज़ किया था अमेज़ॉन से एंड बहुत ही अच्छी डील पे मुझे ये मिला था 508 रुपीज़ में। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, आपको ये अमेज़ॉन पे काफ़ी इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। एंड गाइज इसका जो MRP है एंड इसका जो प्राइस रेंज है काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन यहाँ पर कुछ डील चल रही है अमेज़ॉन पर, जिस वजह से ये मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया है 508 रुपीज़ में। एंड यहाँ पर गाइज आपको 4 टाइप के पेंसिल्स मिलते हैं चारकोल के एंड साथ में आपको एक नीडेड इरेज़र भी मिलता है। तो ये 5 चीज़ें आपको 508 रुपये में मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा डील है। एंड इन पेंसिल्स का यूज़ करते हुए मैंने काफ़ी सारे आर्टिस्ट को देखा है एंड इसको मैंने बिल्कुल ही फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया है। मैंने कभी भी इन पेंसिल्स का यूज़ नहीं किया है, अब तक सिर्फ मैंने इन पेंसिल्स का नाम ही सुना था एंड देखा था, लेकिन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इसका यूज़ करके। एंड यहाँ पे इन पेंसिल्स के सेट के बारे में देखेंगे, जानेंगे कि इसमें किस किस टाइप के पेंसिल्स हमें मिलते हैं, क्या ये वर्थ बाइंग है या नहीं, ये चीज़ भी हम देखने वाले हैं। तो गाइज़ ये जो ब्रांड है जनरल्स का, ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एंड फेमस ब्रांड है, सिंस 1889 आप देख सकते हैं। एंड ये जो पेंसिल्स है ये मेड इन USA है। यहाँ पर 3 आपको चारकोल पेंसिल मिलते हैं, जिसमें कि आपको 2B, 4B एंड 6B ग्रेड मिलता है एंड साथ में आपको एक वाइट चारकोल भी मिल रहा है एंड ये साथ में आपको जनरल्स का एक नीडेबल इरेज़र भी यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे 3 तरीके के आपको ग्रेड के चारकोल पेंसिल, साथ में एक वाइट चारकोल एंड एक आपको नीडेबल इरेज़र मिल रहा है, जो कि एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट पेंसिल किट है। एंड यहाँ पे आप बैक साइड में देख सकते हैं इन पेंसिल्स के बारे में एंड इस ब्रांड के बारे में काफ़ी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको जो 2B पेंसिल मिल रहा है वो मीडियम है एंड जो 4B है वो सॉफ्ट पेंसिल है एंड 6B पेंसिल आपको एक्स्ट्रा सॉफ्ट पेंसिल मिल रही है एंड जो चारकोल है वाइट वाला वो आपको बिल्कुल ही वाइट चारकोल मिल रहा है। तो यहाँ पे सॉफ्ट, मीडियम एंड एक्स्ट्रा सॉफ्ट पेंसिल आपको मिलता है, किसी भी ड्राइंग के लिए, किसी भी पोर्ट्रेट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज चलिए इसको भी अनबॉक्स करते हैं एंड इसका यूज़ करके देखते हैं। सो गाइज़ दीज आर द पेंसिल्स एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल्स का प्रिंट है एंड यहाँ पे जो पेंसिल है उस पेंसिल के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि ये 4B का सॉफ्ट पेंसिल है एंड इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है एंड इन हैंड फील ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा इसका वेट भी नहीं है। सो गाइज़ चलिए इन सभी पेंसिल्स का यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पर ट्रायल के लिए मैंने मीडियम सरफेस का शीट लिया है, मैं ज़्यादातर इसी पे ड्राइंग करती हूँ, जो कि है ब्रिस्टो का शीट एंड इसमें टेक्सचर होते हैं थोड़े से, तो टेक्सचर वाले शीट पे ही चारकोल पेंसिल ज़्यादा काम करते हैं अच्छे से, इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं एक एक पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्टली 2B पेंसिल लिया है जो कि है मीडियम, तो इसका यूज़ करके देख रही हूँ। तो जब मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, जब मैं इसकी हेल्प से शेड कर रही हूँ, तो पेपर पर बहुत ही जल्दी से ऑप्ट हो रहा है। एंड अब इसको हम ब्लेंड करके देखेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ करूँगी एंड ब्रश की हेल्प से जब इसको ब्लेंड करेंगे तो इसका कैसे रिजल्ट आता है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी स्मॉल ब्रश लिया है एंड जब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ तो बहुत ही ईजीली ये ब्लेंड भी हो रहा है, जैसे कि हमने पहले शेड किया था ईजीली, वैसे ही ये बहुत ही ईजीली ब्लेंड भी हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका डस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी हेल्प से आप लाइटर स्किन टोन को भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से जो लाइट टोन है वो भी क्रिएट हो रहा है काफ़ी अच्छे से। एंड नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं 4B पेंसिल का। सो ये जो 4B पेंसिल है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली पेपर पे ऑप्ट हो रहा है एंड जो ब्लेंड है वो बहुत ज़्यादा स्मूथली हो रहा है एंड आप देख सकते हैं 2B से ज़्यादा ये डार्क है 4B एंड इसका जो डस्ट है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है। सो इसकी हेल्प से आप बहुत ज़्यादा डार्क एरिया को भी कवर कर सकते हैं एंड आप इसकी हेल्प से लाइट स्किन को भी ड्रॉ कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट पेंसिल है तो इसका यूज़ करके अब हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा डार्क मुझे ये 6B का एक्स्ट्रा सॉफ्ट पेंसिल ही लगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होने की वजह से पेपर पे बहुत जल्दी ऑप्ट हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट भी होता है। लेकिन इस डस्ट का यूज़ आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से अपना आर्टवर्क्स में, ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छे से हो रही है स्मूथली। 6B पेंसिल का यूज़ आप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क वाले एरिया पे, जैसे कि आप हेयर के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हेयर ड्राइंग के लिए। एंड यहाँ पे जो वाइट पेंसिल है उसको भी आप इसके साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं ब्लैक वाले चारकोल के साथ। तो यहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल लिया है एंड इन दोनों को मिक्स करके मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इन दोनों को मिक्स भी आप कर सकते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें दोनों को मिक्स करना भी पड़ सकता है, तो इस तरीके का रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रे पेपर पर वाइट चारकोल ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रे पेपर पर आपको इसका यूज़ करके दिखाया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जैसा कि ये ब्लैक पेंसिल स्मूथ है वैसे ये वाइट चारकोल भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है एंड बहुत इजीली ये ब्लेंड भी हो जाता है। आप देख सकते हैं फिंगर टिप से ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। सो आप टोन्ड पेपर पे इसका यूज़ कर सकते हैं एंड पोर्ट्रेट में जो भी चारकोल पोर्ट्रेट है उसमें हाईलाइट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो ऑल ओवर गाइज बात करें तो ये चारों पेंसिल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एंड अब मैं इन पेंसिल्स का यूज़ करके एक एक थिन लाइन को क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि ड्राॅइंग में पोर्ट्रेट्स में इस तरीके के थिन डिटेल्स भी होते हैं, तो इन थिन डिटेल्स को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने 2B पेंसिल की हेल्प से पहले ड्रॉ किया है एंड आप इसका डार्कनेस देख सकते हैं, स्मूथनेस देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड 4B एंड 6B की हेल्प से भी आप इस तरीके के लाइन्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिटेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड साथ में आपको ये नीडेड इरेज़र भी मिल जाता है, तो इस इरेज़र का भी यूज़ करके हम देखने वाले हैं। तो ये जो नीडेबल इरेज़र है ये थोड़ा सा हार्ड है, जैसे कि नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ जो भी नीडेबल इरेज़र, जैसे कि मैं क्रेटा कलर का नीडेबल इरेज़र यूज़ करती हूँ, लेकिन इसका जो क्वालिटी है वो इससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो ओल्ड वाला नीडेबल इरेज़र यूज़ करती हूँ रेगुलरली, एंड इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस है इसमें एंड ये काफ़ी अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। एंड आप चाहे तो जैसे ही शेप में इसको कर सकते हैं, नीडेबल इरेज़र नाम ही है इसका। लेकिन यहाँ पे जो ये वाला नीडेबल इरेज़र है इसको मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इसका टेक्स्चर आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ही डिफरेंट है। लेकिन इसका यूज़ हम स्टिल करके देखने वाले हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जब हमने यूज़ किया एक बार में ही इसने काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया है। सो इसका तो रिज़ल्ट काफ़ी सही आ रहा है, तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं इजीली अपने पोर्ट्रेट्स में, अपने जो हेयर ड्राइंग है उसमें भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी पेंसिल पे काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड वाइट पेंसिल का यूज़ आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अपने चारकोल ड्राइंग के ऊपर से, तो इससे भी काफ़ी अच्छा सा हाईलाइट प्रोवाइड हो जाता है। एंड गाइज़ ऑल ओवर बात करें तो ये पेंसिल सेट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इससे आने वाला है, क्योंकि सारे पेंसिल का अलग अलग यूज़ आप कर सकते हैं एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि इसका जो स्मूथनेस है बहुत अच्छा है एंड इसकी डार्कनेस भी काफ़ी अच्छी है। सो गाइज़ इट्स टोटली वर्थ बाइंग प्रोडक्ट। आप इसको बाय कर सकते हैं अमेजोन से एंड आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर आर्टिस्ट फ्रेंड्स। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।